हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौबे प्रशस्ति सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। प्रशस्ति सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी मेहनत में आप थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे और आपकी तैयारियों में हम एक स्टेप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज से हम यूनिट 6 को प्रारंभ कर रहे हैं। यूनिट 6 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये पॉलिटी कहलाता है। पॉलिटी मतलब होता है राज व्यवस्था, पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। अब ये राज व्यवस्था से क्या आशय है, क्या समझते हैं आप? यहां पे दो शब्द से मिलकर के ये एक शब्द बना है, राज और व्यवस्था। मतलब राज की व्यवस्था करने को ही राज व्यवस्था कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है पॉलिश, पॉलिटी, जो कि एक शब्द है पॉलिश, एक ग्रीक वर्ड है उससे निकल करके आया है। अब ये राज व्यवस्था में दो शब्द जो आ रहे हैं, एक राज और एक व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं किसी भी चीज को एडमिनिस्टर करना या एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है? एक राज का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। किसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है? एक राज का। राज का मतलब है एक स्टेट का। तो सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले हमको यह पता होना चाहिए हम राज या स्टेट किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है ये हमने डेफिनेशन बनाई नहीं है, ये डेफिनेशन कुछ लोगों ने बना करके रखी हुई है जिसको हमको फॉलो करना है। तो ये राज की डेफिनेशन जो है ये निकल करके आती है एक मोंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस से, मोंटे वीडियो कन्वेंशन, जो 1993 में हुआ था। ये मोंटे वीडियो कहाँ है? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, मोंटे वीडियो कहाँ है? आप फटाफट इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे देंगे कि वो मोंटे वीडियो कहाँ है। तो मोंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कि 1993 में हुआ था उसमें स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या बताया गया कि स्टेट वो होगा जिसका खुद का एक एरिया होगा, क्षेत्र होगा। स्टेट वो होगा जिसका स्टेट वो होगा जिसका एक निर्धारित पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या। स्टेट वो होगा जिसको रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट होगी, सरकार, और वो सरकार एक संप्रभु सरकार होगी, सॉवरेन। मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकेगी। तो ये डेफिनेशन कहां बताई गई? मोंटेविडियो कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन 1993 में इसको डिस्क्राइब किया गया कि स्टेट क्या है। स्टेट एक ऐसा पार्ट है जिसके पास में एक एरिया है या एक क्षेत्र है, जिसकी खुद की एक निर्धारित पॉपुलेशन है, जिसके पास में एक सरकार है जो स्टेट को चलाने का कार्य करे, और वह स्टेट खुद में संप्रभु है, मतलब सोवेन है। सोवेन का मतलब होता है अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी और अन्य राज्य, कोई और अन स्टेट उसको डिस्टर्ब या हस्तक्षेप नहीं कर सकता उसके डिसीजन में। अब जैसे हम भारत की बात करते हैं तो क्या भारत एक स्टेट है? तो स्टेट की डेफिनेशन में भारत क्या अपने आप में फिट बैठता है उसको देखने के लिए, क्या भारत का क्षेत्रफल है? भारत का एक निर्धारित क्षेत्रफल कितना है? जल्दी बताएं भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का हमारा एरिया है।
भारत के पास में जनसंख्या है? बिल्कुल है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारी जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 84,000 497। ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि जो जनगणना 2011 में हुई थी उसी को हम तथ्य मान सकते हैं, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है तो हम जो ऑफिशियल डेटा है यही लेकर चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज, क्या भारत के पास में सरकार है? बिल्कुल, भारत में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको आप अभी क्या बोल रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें हमारे राष्ट्र प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके प्राइम मिनिस्टर। भारत संप्रभु है? बिल्कुल है, भारत अपने डिसीजन लेने में सक्षम है और किसी का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त हम नहीं करते। तो ये सारी की सारी पार्ट किसमें डिसाइड किए गए? राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत लाया गया। और ये कहां बताया गया? मोंटेविडियो कन्वेंशन 1993 में। अब दो चीजें निकल करके आती हैं। दो चीजें क्या? एक हम बोलते हैं स्टेट, क्या बोलते हैं? स्टेट। और एक कहते हैं नेशन। आपने भी सुना होगा दो अलग अलग चीजें, एक है राज्य और एक है राष्ट्र। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? हमको ये चीजें भी समझना, सॉरी वो कट रहा है, उसको नीचे लिख देते हैं। और एक है राष्ट्र, क्या अंतर है? राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, इसको समझना आवश्यक है। तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हम। राज्य का क्या मतलब है? राज्य एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया। राज्य क्या होगा? जिसके पास में एक निर्धारित एरिया, निर्धारित पॉपुलेशन, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की, और साथ ही साथ संप्रभुता होना आवश्यक है, वो राज्य की डेफिनेशन में बैठता है। दूसरी चीज होती है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक इमोशन, फीलिंग, जो हम सभी को आपस में जोड़ करके रखती है। कैसे जोड़ती है? कई चीजें होती हैं। जैसे हम देखते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारे यहां अलग अलग तरह के कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, और सब एक जैसे हैं। एक जैसा हम वस्त्र धारण करते हैं, एक जैसी बॉन्डिंग होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमको जोड़ करके रखती है, जो फीलिंग जो हमको जोड़ करके रखती है, वो किसके तहत होती है? वो किसके अंतर्गत आती है? वो एक नेशन या राष्ट्र के अंतर्गत आती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेशन इज अ फीलिंग ऑफ इमोशन। हमारे इमोशंस को ही हम, जो हमको कनेक्ट करके रखता है वो क्या है? वो नेशन है। अब अगर हम देखा जाए तो राज्य और राष्ट्र, इंडिया की एग्जाम्पल लिया जाए तो इंडिया एक स्टेट है, बिल्कुल है। इंडिया एक नेशन है, क्या हम कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इंडिया को आप क्या कह सकते हैं? इंडिया इज अ नेशन स्टेट। क्या कह सकते हैं? इंडिया एक नेशन स्टेट, इंडिया एक नेशन स्टेट। और इसी नेशन स्टेट की फीलिंग को हमको बनाए रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आशा करता हूं आपको सभी समझ में आ रहा होगा और हम एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहां हमको क्या पढ़ना है कि इस नेशन को बिल्ड करने के लिए हमने संविधान बनाया और उस संविधान की प्रक्रिया को हमको पढ़ना है। तो संविधान को बनाने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन कंपनीज का जो भारत में आगमन हुआ उसके साथ साथ क्या बदलाव हुए वो देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में यूरोपियन कंपनीज 17th सेंचुरी में आना प्रारंभ करती हैं। हालांकि एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1498 से भारत में एस्टेब्लिश हो चुकी थी और कार्यरत थी। लेकिन ये उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा भारत की राजनीति में जितना इम्पैक्ट दूसरी यूरोपियंस कंपनी का होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में प्रवेश करती है। अब जब 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी भारत में आती है तो इस समय में रूल किसका है, मेजर रूल किसका है भारत में, मेजर रूल है मुगल्स का, सभी को पता है मुगल्स का। अब कंपनी आएगी भारत में, क्यों आएगी कंपनी भारत में, कंपनी क्यों आ रही है भारत में, कंपनी आ रही है ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो भारत में जब कंपनी बिजनेस करने के लिए आएगी तो यहाँ की मुगल किंग्स से मिलेगी, जो मुगल एम्परर है उसको मुलाकात करेगी, और मुलाकात करने के साथ साथ इनको परमिशन मिलेगी और ये कंपनीज क्या करने वाली हैं, भारत में अपना बिजनेस को प्रारंभ करने वाली है और ये प्रारंभ करती चली जाएंगी और बिजनेस एक्वायर करेंगी, आगे बढ़ेंगी। अब क्या होगा कि मुगल्स अपना शासन कर रहे हैं जहांगीर, और लेटर और आगे चल के औरंगजेब तक मुगल्स का शासन तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अचानक से मुगल्स का डाउनफॉल होना प्रारंभ हो गया, और ये किसने देखा, ये देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो आगे चल के औरंगजेब के पश्चात ये क्या करेंगे, भारत पे भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना प्रारंभ करेंगे, जिसका परिणाम हम देखेंगे कि हमारे पूरे इंडिया पे 1857 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाएगा, या रादर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो जाएगा। अब जब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था उस पर सबसे इम्पोर्टेंट एक बैटल होता है जिसको बोला जाता है 1739 का बैटल ऑफ करनाल। ये डेट इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी के सिस्टम से आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी एक्चुअल डेटा पूछता है। 1739 में एक बैटल होगा जिसको कहा गया बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध। ये करनाल का युद्ध क्या था, इस करनाल के युद्ध में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह ने इन्वेड किया इंडिया, इन्वेजन के साथ साथ नादिर शाह ने दिल्ली को बहुत ज्यादा लूट पार मचा दिया, और इस समय में भारत का जो मुगल एम्परर है वो कौन है, मुगल एम्परर है वो मोहम्मद शाह। तो एमबीबीएससी आपसे पूछ सकता है कि बैटल ऑफ करनाल क्या था, कब हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि व्हेन वाज बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस, 1739 डायरेक्ट ईयर पूछेगा। किसने आक्रमण किया था, एक नादिर शाह करके ईरान का आक्रमणकारी था, आक्रांता था, उसने भारत पे आक्रमण किया था और बहुत लूटपाट मचाया था, बहुत जबरदस्त लूटपाट मचाया था। और मोहम्मद शाह उस समय में कौन थे, मुगल एम्परर थे। अब जब भारत में दिल्ली को लूटा जाएगा तो क्या मुगल शासन उसी रफ्तार में या वैसे ही आगे चलता रहेगा, नहीं, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन और तेजी से होना प्रारंभ हो जाएगा, और वही हुआ, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हुआ। अब डिक्लाइन होगा तो अगर एक एक ताकत नीचे जा रही है तो दूसरी ताकत ऊपर बढ़ेगी, और वही हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी कि मुगल साम्राज्य डिक्लेनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप करना चालू किया भारत की पॉलिटिक्स। हस्तक्षेप कैसे करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध करेंगे जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ पलासी। देखिए मैं ज्यादा डेप्थ ऑफ हिस्ट्री नहीं जा रहा हूं, केवल आपको टॉपिक से अवगत करा रहा हूं जो कि आपकी पॉलिटी से संबंधित है। ये सारे टॉपिक्स हम हिस्ट्री में अलग से देखेंगे, अलग से पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल्स इनकी गेन करेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको केवल पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ पलासी, जो कब घटित हुआ था, 1757। हालांकि ये बैटल ऑफ पलासी या पलासी का जो युद्ध है वो एक बैटल नहीं था, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश ने नवाब ऑफ बंगाल को अलग किया था। इसके बाद में दूसरा एक और युद्ध जिसको निर्णायक युद्ध माना कहा जाता है वो होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अब ये बैटल ऑफ बक्सर एक निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पूरी तरह से कहां ला दिया, बंगाल में ला दिया, और भारत में एक द्वैध शासन प्रणाली भी प्रारंभ हो जाएगी। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध के रिजल्ट क्या होते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा भी लिख रहा हूं क्योंकि उस समय में उड़ीसा ही लिखा जाता था, अब उड़ीसा कहते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रेसिडेंसी
या दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चले जाते। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू राइट्स, टैक्स कलेक्शन के अधिकार किसके पास में चले जाते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चले जाते हैं। अब सारे के सारे टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। लेकिन लेकिन पॉलिटिकल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स किसके पास में रहती है? नवाब ऑफ बंगाल के पास में रहती है। और इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? डुअल गवर्नेंस कहा जाता है, द्वैत शासन, डुअल गवर्नेंस या द्वैत शासन कहा जाता है। अब आगे चल के क्या होगा? कंपनी ट्रेड भी कर रही है, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है और अपना काम भारत में कर रही है। लेकिन क्या होता है, 1770 आते आते भारत में जो कंपनी काम कर रही है वो बैंकरप्ट होने लगती है, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाती है। क्यों ऐसा होता है? जबकि कंपनी के पास में रेवेन्यू आ रहा है, सारा फंड आ रहा है, ऐसा क्यों होता है कि भारत में जो कंपनी है वो डाउनफॉल या बैंकरप्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भारत में जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो करप्शन कर रहे हैं, हाई लेवल का करप्शन कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा करप्शन करते हैं कि बिल्कुल डेप्थ पे चले जाते हैं, कर्ज में डूबने लगते हैं। तो ये ऑफिशियल्स क्या होते हैं, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स किसके पास जाते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में जाते हैं सहयोग मांगने के लिए। सहयोग के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री करती है और कहती है कि हाँ, हम आपका सहयोग करना, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू एंड आपके सारे डेप्थ को हम क्लियर कर देंगे, लेकिन साथ में हम आपको क्या करेंगे? रेगुलेट भी करेंगे। तो इसी के बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इन सब टॉपिक्स को हमको केवल हल्का फुल्का पढ़ना था, ज्यादा आवश्यक नहीं थी। क्यों नहीं था? क्योंकि हमको मेनली पढ़ना है 1992 का मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको स्टिक टू द सिलेबस रहना है और आगे बढ़ना है। सिलेबस से आगे पीछे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े, ये केवल एक बैकग्राउंड बताने के लिए थे, इनको हिस्ट्री में और डिटेल में कवर किया जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, देन हम जितने तीन चार्टर एक्ट्स आए हैं, चार्टर एक्ट्स को पढ़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसी से संबंधित आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।